स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों ने समायोजन नहीं किए जाने को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी अपने समायोजन को लेकर आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। सभी यूपी एचएसएसपी कर्मचारियों ने इससे पहले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को समायोजन करने के लिए चेतावनी दिया था, किंतु समायोजन न होने के चलते आज एक बार फिर यूपी एचएसएसपी कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर धरना देते हुए विभाग विरोधी नारे भी लगाए। कर्मचारी संघ का नेतृत्व कर रही एक संविदा कर्मी ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद समायोजन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते लगातार हम लोग कार्य से विरत हैं। हालांकि इससे पहले ओपेक चिकित्सालय के सीएमएस द्वारा संविदा कर्मियों को बुलाकर वार्ता की गई थी, किंतु 5 महीने गुजर जाने के बाद भी संविदा कर्मियों की बात नहीं सुनी गई। अपने समायोजन को लेकर हम एक बार फिर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुद्दा यही है, हम लोग पिछले 7 वर्षों से काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और उसके बाद हम लोगों का डीएचएस में समायोजन था। प्रमुख सचिव का आदेश आया कि इन लोगों को पूर्व में रखे यूपीएचएसपी कर्मचारियों को समायोजन करना है। अब एएमडी एनएचएम बड़े होते हैं सर कि प्रमुख सचिव बड़े होते हैं सर, ये सीएमओ साहब को पता नहीं है। कोर्ट का भी आदेश आ गया है, वो भी हम आज दिखा दिए हैं सर, उसके बाद भी ये समझ नहीं रहे हैं। कह रहे हैं आप लोगों का हो जाएगा, खाली जो कहते हैं सर। और इंटरव्यू के लिए हमको कल फ़ोन आया है कि इंटरव्यू देना है सर। जब 7 साल से ऑलरेडी ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग, नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद इंटरव्यू की क्या ज़रूरत है सर? किसी तरह के आदेश भी दिखाते हैं इंटरव्यू के या कुछ नहीं दिखाते हैं सर? फर्जी आदेश दिखाते हैं, कोई आदेश नहीं है ऐसा इस तरह का सर। तो आप